बारगाह ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा नशी और केबीएन यूनिवर्सिटी के चांसलर जनाब डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब ने ख्वाब देखा था, जिसको आज इन्होंने पूरा कर दिखाया है, जिससे आज के महंगाई के दौर में मुख्तलिफ बीमारियों में परेशान गरीब मिडिल क्लास फैमिलीज को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब का गुलबर्गा को बेस्ट एजुकेशनल और मेडिकल हब बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम और आप जानते हैं पिछले कई दिनों से डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब की तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज है। इसके बावजूद उन्होंने शहर के लोगों की तकलीफ को दूर करने की नीयत से शहर के केबीएन हॉस्पिटल में वर्ल्ड क्लास मॉडलर एडवांस फैसिलिटीज के साथ ऑपरेशन थिएटर तैयार किया है, जिसका इनॉग्रेशन डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शनप्रकाश पाटिल के हाथों किया गया है, जो गुलबर्गा शहर के अलावा पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। आपको बता दूं, यहां 10 एडवांस मॉडलर ऑपरेशन थिएटर मौजूद हैं, जिसको खासकर न्यूरोसर्जरी के लिए लेटेस्ट नेविगेशन सिस्टम के साथ तैयार किया गया है, जो ऑपरेशंस को और भी ज़्यादा एक्यूरेट बनाएंगे। और इसके अलावा यहां एक 41 बेडेड पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड बनाया गया है, जहां सीरियस केसेस में सर्जिकल इलाज के बाद मुकम्मल रिकवरी के लिए रखा जाएगा। इस फैसिलिटी का खास हिस्सा हाईटेक इंटीग्रेटेड ओआर1 है, जो खास कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज के लिए यानी दिल के मरीजों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके जरिए बेहतरीन इलाज किया जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ मेडिकल एजुकेशन के लिए एक साउंड प्रूफ ऑडियो विजुअल्स रूम भी इनॉग्रेशन किया गया है, जिसमें 50 स्टूडेंट्स एक साथ लाइव ऑपरेशन देख सकते हैं, और इसमें टू वे इंटरेक्शन के जरिए डॉक्टरों से सीधा रब्ता होगा। ये नई टेक्नोलॉजी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिससे वो ऑपरेशन का रियल टाइम तजुर्बा हासिल कर सकते हैं। और आपको बता दूं, इसके अलावा केबीएन हॉस्पिटल में 220 सीटेड मॉडर्न गैलरी थिएटर क्लासरूम भी बनाए गए हैं, ताकि मेडिकल प्रोफेशनल्स को एडवांस ट्रेनिंग दी जा सके। ये क्लासरूम एक 20 सीटर एंटी रूम के साथ बनाए गए हैं, जो खासकर प्री सर्जिकल डिस्कशंस के लिए एक अहम जगह होगी। इन तमाम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ को देख डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब काफ़ी खुश नज़र आए हैं, क्योंकि ये उनका बहुत पुराना ख्वाब था, जो आज उनकी आंखों के सामने पूरा हुआ है। केबीएन हॉस्पिटल की मेडिकल टीम ने खुसरो हुसैनी साहब को उनकी विजनरी लीडरशिप के लिए शुक्रिया अदा किया है, और साथ ही इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए प्रो चांसलर सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब और टीम लीडर्स का भी शुक्रिया अदा किया गया है। और इस मौके पर रात दिन काम करने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर MKHS जिलानी डॉक्टर मोइनुद्दीन और उनकी पूरी टीम की मेहनत को सराहाया गया है। और इस मौके पर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ केबीएन हॉस्पिटल में शुरू की गई सहूलत को देख मुबारकबाद देते हुए कहा, यह नई फैसिलिटीज़ गुलबर्गा शहर के अलावा आसपास के तालुकों और देहातों की आवाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। केबीएन यूनिवर्सिटी में कटिंग एज मेडिकल टेक्नोलॉजी और एडवांस लर्निंग एनवायरमेंट्स को मिलाकर कर्नाटका में हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के लिए एक नया स्टैंडर्ड कायम किया गया है। ये नई तब्दीलियां ना सिर्फ मरीजों को फ़ायदा पहुंचाएंगी, बल्कि इस इलाके में हेल्थ केयर के नतायज को बेहतरीन बनाएगी। मजीद जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज सज्जाद नशीन हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब के अमृत हाथों से ये जो OT कॉम्प्लेक्स ये स्टेट ऑफ आर्ट OT कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है। ये बहुत अच्छा फैसिलिटी यहाँ पे कायम किया गया है। ये KBN मेडिकल कॉलेज का जो चांसलर है खुसरो साहब, उनके हाथ से अभी ये जो पूरी इनॉग्रेशन, इसके पीछे मेहनत हमारे प्रोस चांसलर अली बाबा और हमारे वाइस चांसलर अली बहुत अच्छा यहाँ पे हॉस्पिटल सेटअप कायम किए हैं। ये जो OT कॉम्प्लेक्स है, मॉड्यूलर OTs हैं एंड पोस्ट ऑपरेटिव जो सेटअप भी है बहुत बेहतरीन है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि गुलबर्गा शहर के लोग इस फैसिलिटी का लुत्फ़ उठाएँ, और ये जो मेडिकल कॉलेज का जानिब से ये जो हॉस्पिटल एस्टेब्लिश हुआ है, इससे फ़ायदा गुलबर्गा शहर के लोगों को। सो यू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड सर, हाउ डू यू नो दिस इज अ गुड, बिकॉज वी हैव आल्सो सेट अप मेनी हॉस्पिटल, दे हैव डन अ वेरी एक्सेलेंट जॉब। सो दिस इज अ वेरी गुड फैसिलिटी हियर,
सो डेफिनेटली इट विल हेल्प द पीपल ऑफ गुलबर्ग. मैं सबसे पहले हज़रत सज्जादा नशीन साहब, डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब क़िबला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए हैं और अपना कीमती वक्त दिया है ओटी के इनॉग्रेशन के लिए. एक और साथ ही साथ डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब, मिनिस्टर मेडिकल एजुकेशन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे वो इस इनॉग्रेशन में तशरीफ़ लाए हैं और सज्जादा नशीन साहब के साथ इसको इनॉग्रेट किया. मैं ये समझता हूँ कि गुलबर्गा और उसके रीजन अतराफ अकनाफ के इलाक़ों के लिए एक बेहतरीन फैसिलिटी बनाई गई है और ये कोशिश है ख्वाजा बंदा नवाज हॉस्पिटल और KVN यूनिवर्सिटी की कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ आने वालों को हो और बेहतरीन से बेहतरीन इलाज हो सके, उनको बेहतरीन से बेहतरीन फैसिलिटी हम दे सकें. यही कोशिश है और इसी के लिए हम लोगों ने एक कोशिश की है कि उसको एक बेहतरीन फैसिलिटी बना सकें. मैं शुक्रिया अदा और करता हूँ जो प्रोजेक्ट टीम पूरी हमारे साथ जुड़ी थी और जिन लोगों ने रात दिन लगा कर इसको मेहनत किए हैं. ऑलमोस्ट 1.5 साल लगा है इसको बनने के लिए और इंटीग्रेटेड ओटीज़ बने हैं जो कहीं से भी दुनिया में कोई डॉक्टर हमसे कनेक्ट हो सकता है यहाँ ओटी में और गाइड कर सकता है किसी सर्जरी को. और मैं सबका, पूरी प्रोजेक्ट टीम, पूरे हॉस्पिटल स्टाफ, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, जो जो पूरे प्रोजेक्ट में जुड़े थे सबका साथ ही मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि उन लोगों ने बहुत मेहनत की है और आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से ये ओटी उभर के आई.